यस यस अच्छी मूवी थी, बेस्ट बाला की अक्षय कुमार की सबसे अच्छी एक्टिंग थी। ओके मैम आपको कैसी लगी मूवी? ओके ओके वन टाइम वॉच। ओके कॉमेडी फिल्म है तो कितना हंसे आप लोग? सेकेंड हाफ में काफी अच्छे, फर्स्ट हाफ ठीक था। ओके क्या कहेंगे ऑडियंस को, देखनी चाहिए या वन टाइम वॉच? वन टाइम एंटरटेनमेंट। आउट ऑफ 5 कितने? नॉट टू मच एक्सपेक्टेशंस कंपेयर टू 1, 2, 3। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? आउट ऑफ 5 3। नाइस मूवी, इट वाज अबाउट हिस्ट्री एंड इट वाज अबाउट रीइंकार्नेशन एंड द कैरेक्टर्स वर वेरी गुड एंड द मूवी वाज वेरी वेल मेड। बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, कॉमेडी थी, कॉमेडी थी। उसका वो सॉन्ग एकदम सॉन्ग बहुत फेमस हो गया और सब कैरेक्टर्स अच्छे थे, वेरी नाइस मूवी, कॉमेडी वाज आल्सो वेरी नाइस। अक्षय कुमार की एकदम कॉमेडी बहुत अच्छी थी, 5 out of 5। इट वाज अ नाइस मूवी, ट्रेलर देखा हमने वो भी अच्छा था। अक्षय की कॉमेडी कैसे लगी? अच्छी है, सब अच्छा था उसमें, सॉन्ग वगैरह सब बेस्ट सॉन्ग तो वो शैतान का सारा था, सब फेमस हो गए वो सॉन्ग। मुझे बहुत अच्छी लगी, बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं डिटेल में कि मुझे कैसी लगी, सभी दर्शकों को धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाइए और जाके मूवी देखिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ओके अक्षय कुमार की वो तो हंसाने के लिए वैसे ही बहुत फेमस है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इज इम्पेकेबल, फ्लॉलेस इज द वर्ड। हर सीन में हम उन्हें जानते हैं कि वो एक्शन मूवीज में, सोशल रिलेवेंट मूवीज में, कॉमेडी मूवीज में अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और एक बार फिर वो कॉमेडी मूवी में अपनी छाप छोड़ गए, और उनका जो बाला का किरदार है वो इतना फनी है और इतना यूनिक है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, इट्स सो एंटरटेनिंग। और जाइए जाके अपनी फैमिली के साथ मूवी देखिए और इंजॉय कीजिए। ओके जो बाकी कोस्टार हैं उनके बारे में क्या कहना है? बाकी कोस्टार रितेश देशमुख भी अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, सो आई थिंक ही इज ऑल्सो इम्पेकेबल, बैंग ऑन। उसके साथ सरप्राइज एलिमेंट है बॉबी देओल, उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है, यमला पगला दीवाना याद आ गया उनकी मूवी देख के। और उसके साथ तीनों एक्ट्रेसेस है, यूजुअली कॉमेडी मूवीज़ में एक्ट्रेसेस के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं करने के लिए, पर यहाँ पे पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा और कृति सैनन, तीनों के रोल बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को फरहाद साम जी, कि उन्होंने सारे रोल्स को ऐसा लगा कि कोई भी ओवरशैडो नहीं हो रहा है, सो आई थिंक इसका क्रेडिट उनको ही जाता है। ओके तो ओवरऑल कितने स्टार देंगे आप? 3.5। थैंक यू। लॉजिक तो है नहीं, पर पिक्चर अच्छी, हंसने हंसाने वाली मूवी है, जैसे लाइक यू गेट बोर्ड तो हंसने के लिए आ जाओ, सारे हंस रहे हैं, तो पहले तो मेरी हंसी ही नहीं छुट्टी, मैं लोगों को देखो हंस क्यों रहे हैं बिना बात पे तीजारे, फिर कहते हैं ऐसे ही हंस रहे, डायलॉग्स अच्छे हैं, मतलब हंसाने के लिए, मीन्स इट्स जस्ट लाफिंग मूवी। कैसे 3 3 ऑडियंस को क्या कहेंगे, जाना चाहिए, जाओ देखो बैठे बैठे हंसाओ और